हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता और स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की जो वीडियो है वो है घर पे कैसे ब्लीच कर सकते हैं उसके ऊपर, और साथ ही ये ऑक्सी लाइफ की ब्लीच का फुल रिव्यू। घर पे आप बहुत अच्छे से ब्लीच कर सकते हैं, खुद ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ ये ब्लीच का रिव्यू बहुत अच्छे से शेयर कर सकूं। गाइस, ये है ऑक्सी लाइफ की ब्लीच। इसकी आउटर बॉक्स कुछ इस तरीके से है, ब्लू शाइनिंग बॉक्स है इसका। और इसकी जो इनर पैकेजिंग आई थी वो ये आई थी, ऑक्सी लाइफ ब्लीच गोल्ड डिब्बी में, साथ में एक स्पैचुला प्लास्टिक का ही है और एक एक्टिवेटर की छोटी सी क्यूट सी डिब्बी और एक पोस्ट ब्लीच सीरम, स्किन सीरम। और साथ ही फर्स्ट टाइम जो लोग भी यूज़ करते हैं ब्लीच, उनको मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वो अपने कान के पीछे यहाँ पे पैच टेस्ट ज़रूर करें। उससे आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि आपको ब्लीच जो है वो सूट करेगी या नहीं। और साथ ही एक्चुअली सब कुछ ब्लीच सूट कर जाती है, बट होता है कोई कोई पर्सन बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के जो होते हैं उनको नहीं सूट करती। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें वो मेक श्योर कि आप अपने कान के पीछे ज़रूर ज़रूर से टेस्ट कर लें। और गाइस, एक चीज़ और कि जो साथ में जो ब्लीच के साथ जो भी हमें क्रीम सीरम जो भी हमें मिलता है उसको हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं ब्लीच करने के बाद। कुछ पोस्ट होते हैं, कुछ प्री ब्लीच के लिए होते हैं क्रीम, उनको हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उनको ये जो एक्स्ट्रा नरिशमेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा जाता है। सो गाइस, आई होप मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा सकूँ, उम्मीद करती हूँ मैं खुद। इसके बारे में आपको बता दूँ मैं कि नेचुरल रेडियंस ऑक्सी लाइफ 5 क्रीम ब्लीच विथ पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम, वो ये है। डिड यू नो दैट योर स्किन ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ब्रीथ लाइफ नॉट जस्ट इन यू बट ऑल्सो इन योर स्किन। बट विथ एज, स्ट्रेस एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, ऑक्सीजन लेवल्स इन द स्किन मे ड्रॉप, लीडिंग टू अनहेल्दी स्किन विद द डलनेस, डार्क स्पॉट्स एंड लाइफलेस कॉम्प्लेक्शन। How can OxyLife Bleach help? OxyLife Natural Radiance 5 Cream Bleach, enriched with active oxygen with unique post-bleach skin radiance serum, brightens and nourishes skin to help solve 5 fairness problem to give naturally radiant skin instantly. First, dark spots, uneven skin tone, dull skin, dead skin cells and suntan. No added ammonia, which is quite impressive कि हमारी ब्लीच के अंदर अब अमोनिया नहीं आता। और 3 uses इस जो बॉक्स है इसमें आप 3 बारी आप अपनी ब्लीच को यूज़ कर सकते हो। सो ऑक्सीलाइफ क्रीम ब्लीच नेट वेट 27 ग्राम, पैक कंटेन्स क्रीम ब्लीच 21 ग्राम, पाउडर एक्टिवेटर 3 ग्राम, पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम 3 नंबर ऑफ 1 1 ग्राम्स। और इसकी MRP है 82 रुपीज़ की है ये, जो मुझे लोकल मार्केट से ये अराउंड 75 के अराउंड मेरे को पड़ गई थी ये। और इसकी क्रीम ब्लीच की जो की इंग्रेडिएंट्स है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 4%, पाउडर एक्टिवेटर की इंग्रेडिएंट पर सल्फेट्स, पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम की इंग्रेडिएंट्स सी मिनरल एक्सट्रैक्ट एंड ऑक्सीस्फेयर। वॉश करके आ जाऊँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सबसे पहले आप अपने फेस को पूरा फेस वॉश के साथ क्लीन कर ले। अगर आपने फेस पे मेकअप कर रखा है तो मेकअप रिमूवर से रिमूव करके देन उसके बाद फेस वॉश करके ये मेक श्योर करें कि आप ब्लीच का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा मैंने मेकअप कर रखा था तो मैंने अपना फेस पहले मेकअप रिमूवर से क्लीन करके उसके बाद मैंने फेस वॉश करा है। और अब मैं एक वेट टिश्यू ले रही हूँ, वेट वाइप्स, उसकी हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो भी हमारा मेकअप का रेसिड्यू रह गया होगा
वो इससे प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसका कलर कुछ लाइट स्काई ब्लू कलर में है। अब मैं ये इसका स्पैचुला लेती हूँ और इसके हेल्प से थोड़ी सी क्रीम हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब मैंने क्रीम ब्लीच ली है। देखिए अब हम इसके अंदर पाउडर एक्टिवेटर डाल देते हैं। जो जो इसकी जो क्वांटिटी आती है, आप चाहे तो अगर आप फुल फेस नेक और बैक कर रहे हैं तो आप इसकी पाउडर की पूरी डिब्बी अप्लाई डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि हल्की फूड की बर्निंग सेंसेशन जो है वो ऑलमोस्ट होती ही है चाहे आप कोई सी भी ब्लीच यूज़ कर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स बहुत अच्छे से करिए इसको, इसके अंदर बिल्कुल भी, और एक ही डायरेक्शन में कोशिश करें कि आप एक ही डायरेक्शन में अपने ब्लीच को मिक्स करें जब तक इसके जो एक्टिवेटर है वो अच्छे से आपकी क्रीम में मिक्स नहीं हो जाते। और मिक्स करने के एकदम बाद में ही हमें अप्लाई करनी चाहिए ब्लीच। कुछ एक तो 2-4 सेकेंड इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें ताकि इसका जो एक्टिवेटर है वो अपना वर्क इस क्रीम में, ब्लीच क्रीम में कर दे। उसके बाद हमें ब्लीच को यूज़ करना चाहिए। को पूरी वीडियो बताना चाहती हूँ कि मैंने इसको कैसे अप्लाई करा है, कैसे इसको कैसे इसका इफेक्ट है। सो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, सो प्लीज़ गाइज बेयर विद मी। ये हमारी जो है क्रीम बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके अंदर कोई भी आपको पाउडर का रेसिड्यू नहीं दिख रहा होगा, कोई भी ब्लू पाउडर नहीं दिख रहा होगा इसके अंदर पार्टिकल्स। बट हम इसको 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने देते हैं, फिर हम अपनी ब्लीच अप्लाई। ये देखिए गाइज अभी हल्के हल्के सी ब्लीच एक्टिवेटर पाउडर ने अपना वर्क शुरू कर दिया, तो हल्की सी और ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका आ गया है। हम इसको एक बारी और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नाउ द ब्लीच क्रीम इज रेडी टू यूज। तो आप चाहे तो आप अपने फिंगर्स से अप्लाई कर सकते हैं या स्पैचुला से, बट मैं फिंगर से ज़्यादा अच्छे से मुझसे अप्लाई होता है, स्पैचुला से नहीं होता। अपने स्किन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करना इसको शुरू करें। पतली पतली लेयर लगाएं अपनी स्किन पे। सो मैंने एक मिरर ले लिया है, मैं उसमें देख के ब्लीच लगाऊंगी। आप अपने पूरे फेस पे बहुत अच्छे से इवन लेयर अप्लाई करें ब्लीच की। सो गाइस मैंने ब्लीच क्रीम जो है वो अपने फेस पे इवनली स्प्रेड कर दिया है, इवनली लगा लिया है अपने फेस पे। सो मैं इसको अराउंड 12 मिनट्स रहन दूंगी। और सॉरी, इसके साथ एक मैनुअल आता है जिसमें आपको पूरी के पूरे हाउ टू यूज़ इसके पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, कैसे अप्लाई करें, कितनी देर के लिए रखें। जी, चेहरे को सादे पानी से धोए, फिर हल्के से पोछे। सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश करें, उसके बाद पैट ड्राई करें। क्रीम ब्लीच और पाउडर एक्टिवेटर के 7:1 के अनुपात में लेकर अच्छी तरह मिला लें, जैसे कि 7 ग्राम क्रीम ब्लीच और 1 ट्यूब पाउडर एक्टिवेटर लेकर उसी दी गई ट्रे में मिलाइए। दिए गए स्पैचुला से क्रीम ब्लीच और पाउडर एक्टिवेटर को 2 मिनट तक मिलाइए, जिससे पाउडर एक्टिवेटर क्रीम में अच्छी तरह से मिल जाए। अब स्पैचुला से इस मिश्रण को उस जगह पर लगाइए जहां आप ब्लीच करना चाहते हैं।
अपनी आईब्रोज और अराउंड द आईज को छोड़कर इस मिश्रण को नहीं लगाना है। इस मिश्रण को निर्धारित समय के अंतर्गत लिखी गई अवधि तक लगाकर रखें। चेहरे को सादे पानी से धो लीजिए। पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंट सीरम को ब्लीच करे हुए क्षेत्र पर लगाएं और देखें अपनी स्किन में एक इंस्टेंट हेल्दी ग्लो। सो इसमें जो इसका रेशियो होता है वो 7:1 होता है अराउंड। जैसे आपकी ये पूरी की पूरी डिब्बी है उसमें आप ये पूरी डिब्बी मिला लें, उसके बाद आप लगाएं फेस नेक एंड बैक पे। योर स्किन टोन डार्कर, अगर आपकी स्किन थोड़ी डार्कर टोन में है तो अप टू 10 मिनट्स। व्हीटिश स्किन की है, गेहूं रंग की है तो अप टू 15 मिनट्स। एंड फेयरर स्किन है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स और मोर, आप 15 मिनट से ज़्यादा इसको लगा कर छोड़ें। इसको अराउंड मैं 10 to 13 मिनट्स मैं इसको अपने स्किन टोन पर रहन दूँगी, अपने स्किन पर ऐसे अप्लाई रखूँगी। उसके बाद मैं इसको सादे ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। देखिए मेरी आँखों में हल्का हल्का सा पानी, हल्की हल्की सी रेडनेस हो रही है विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। आप मत डरिएगा इससे, क्योंकि ये हल्की सी सेंसेशन देता है आपके आइज को, बिकॉज हमारी आइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, दैट्स वाई। अब ये देखिए हल्के हल्के से है ना इसने अपने वर्क करना शुरू कर दिया है मेरे फेस पे। मेरे को अराउंड हो गए 5 to 6 मिनट्स मेरे को ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं इसको 4 to 5 मिनट और रखूँगी जब तक मेरे स्किन कलर में, मेरे जो हेयर्स के कलर है फेशियल हेयर्स जो है वो मेरे स्किन टोन के कलर में नहीं आ जाते, तब तक 13 मिनट्स इनफ है। तो मिलती हूँ मैं आपको अपना फेस वॉश करके। सो गाइज, मैंने अपने ब्लीच को वाइप ऑफ कर लिया है और देखिए मेरी स्किन फील सो लाइट, सो रिलैक्स। हाँ आई नो थोड़ी सी आंखें रेड रेड हो रही है बिकॉज ऑफ ब्लीच, बट कोई नहीं, हल्की फुल्की सेंसेशन तो होती ही है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ब्लीच यूज़ करें ना, आप कोशिश करें कि शाम को या रात को ही ब्लीच का यूज़ करें। उससे क्या होता है कि जो भी हमारा सन एक्सपोजर होता है ना वो नहीं होता, और फेस वॉश जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है, जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है उसको प्लीज़ उस दिन फॉलो ना करें, सिवाय जो भी आप ब्लीच यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर कोई पोस्ट क्रीम ब्लीच आपको नहीं मिलती है तो जस्ट एलोवेरा जेल ले और उससे हल्का हल्का अपने फेस पे अप्लाई कर दे, दैट्स इट। और कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नो टोनर, नो मॉइस्चराइज़र, कुछ भी नहीं, जस्ट आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाए बस। सो मैंने अपने स्किन को ड्राई कर लिया है पैट ड्राई, और देखिए मैंने बिल्कुल लाइट लेयर लगाई थी क्योंकि मैं ब्लीच वैसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और इसका एक पाउच जो मैंने पहले से ही कट करके रख लिया था वो मैं ले रही हूँ अपने हैंड्स पे। इसकी पाउच की पूरी क्वांटिटी मैं अपने हैंड्स पे ले लूँगी, पूरी क्वांटिटी अपने हैंड्स पे ले लिए है। ये बेसिकली जेल बेस सीरम है, अब अपने फेस पे इवनली इसको अप्लाई करें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसकी खुशबू, एक बारी मैंने स्पावेक का सीरम यूज़ करा था उसके तरीके की इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है मेरे को, और इसकी कंसिस्टेंसी भी कुछ कुछ वैसी से ही लग रही है मेरे को। देखिए बस। और फेस वॉश वगैरह भी आप कोशिश करें कि ब्लीच करने के बाद एटलीस्ट 12 आवर्स तक आप फेस वॉश यूज़ ना करें। कोई भी सोप फेस वॉश आप अपने फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे फॉर बेटर रिजल्ट्स, ताकि जो ब्लीच है वो कोई हार्म केमिकल्स उसके साथ कोई रिएक्ट ना करे। दैट्स वाई हम 12 घंटे एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का हम अपने स्किन को रेस्ट देते हैं, जिससे जो ब्लीच है वो अपना प्रॉपर वर्क करे। और कोशिश करें प्लीज़ कि आप अपनी ब्लीच को नाइट टाइम में ही यूज़ करें,
मॉर्निंग के टाइम पे ना यूज़ करें जिससे सन एक्सपोजर ना हो, उससे ब्लीच का जो प्रॉपर बेनिफिट होता है वो हमारे स्किन को नहीं मिल पाता और रिएक्ट होने के चांसेस ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़।